टी20 वर्ल्ड कप के 5-5 नए नियम आए, दर्शकों के लिए खुशी से झूमने का मौका लाए। जानिए अब क्या क्या होगा बदलाव, किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। आईपीएल अब खत्म हो चुका है और कुछ ही दिनों में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। क्रिकेट के इस कार्निवल की शुरुआत 1 जून से होगी। इस मेगा इवेंट को और ज्यादा रोमांचक और मजेदार बनाने के लिए इस बार आईसीसी ने कुछ नए नियमों की लिस्ट जारी की है। इस बार का टी20 वर्ल्ड कप बेहद ही खास होने वाला है। इस बार कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आईसीसी काफी सख्त नियम लेकर आई है, लेकिन एक बात तो साफ है कि नियमों के लागू होने के बाद फैंस का क्रिकेट मैच देखने का मजा दोगुना होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं टी20 वर्ल्ड कप के 5-5 नए नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा एंड कंपनी इस बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाएगी, क्या टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा पाएगी। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। स्टॉप क्लॉक है नया नियम। टी20 वर्ल्ड कप में जो नए नियम लागू होंगे उनमें सबसे मजेदार और दिलचस्प नियम है स्टॉप क्लॉक नियम। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यह नियम। इस नियम के मुताबिक गेंदबाजी कर रही टीम को एक ओवर खत्म होते ही 1 मिनट में अगला ओवर शुरू करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गेंदबाजी कर रही टीम पर 5 रनों की पेनल्टी लगेगी, यानी कि रूल तोड़ने पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के स्कोर में 5 रनों का इजाफा हो जाएगा। हालांकि अंपायर्स फील्डिंग टीम को इसके लिए 2 बार वार्निंग भी देंगे। तीसरी बार रूल तोड़ने पर एक्शन लिया जाएगा। यह नियम पहली बार क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिलेगा। 3 घंटे 10 मिनट में खत्म करो मैच। आईसीसी ने मैच की टाइमिंग को लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए काफी सख्ती दिखाई है। आईसीसी ने पूरे मैच को खत्म करने के लिए 3 घंटे और 10 मिनट की टाइम लिमिट रखी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि टाइम का उल्लंघन होता है तो कप्तान को 1 फील्डर सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा। वहीं एक पारी खत्म होने के लिए आईसीसी ने 1 घंटे 25 मिनट का टाइम रखा है। वहीं इनिंग ब्रेक के दौरान इंटरवल 10 मिनट नहीं बल्कि 20 मिनट का होगा। रिजर्व डे के नियम में भी हुआ बदलाव। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे के नियम में भी बदलाव कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब दूसरे सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होगा। पहले सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में अगर बारिश आती है और बारिश की वजह से मैच में बाधा पड़ती है तो नियमित समय से 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और मैच खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। सुपर ओवर में भी हुए बदलाव। मैच टाई होने पर सुपर ओवर देखने को मिलता है, लेकिन सुपर ओवर टाई हो जाने की सिचुएशन में बाउंड्री काउंट का नियम था। ये नियम साल 2019 में खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान काफी विवादों में रहा, जिसके बाद अब इस नियम को हटा दिया गया है। अब वर्ल्ड कप में जब तक नतीजा नहीं आ जाता लगातार सुपर ओवर देखने को मिलता रहेगा। डीएलएस नियम में भी हुए बदलाव। टी20 वर्ल्ड कप में अगर बारिश खलल डालती है तो डेपर्थ लुइस नियम के मुताबिक मैच का फैसला किया जाता है, लेकिन लीग राउंड और नॉकआउट मुकाबलों के लिए अब डकवर्थ लुइस नियम की कंडीशन अलग अलग रहेगी। लीग राउंड मैचों में कम से कम 5 ओवर खत्म होने के बाद ही इस नियम का इस्तेमाल होगा। वहीं नॉकआउट मुकाबलों में डकवर्थ लुइस नियम के इस्तेमाल की लिमिट 10 ओवर की रखी गई है। तो दोस्तों ये हैं वो 5 नियम जिनका इस्तेमाल टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान देखने को मिलेगा और इन नियमों की वजह से ये वर्ल्ड कप और ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प हो जाएगा। वैसे दोस्तों इन 5 में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।